हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिक। तो इधर आप देख रहे हैं एक कौन सा कंपनी का बोर्ड है, ECS का बोर्ड है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है A780LM M2। तो इस बोर्ड में फिलहाल तो जो दिक्कत आ रहा है इस बोर्ड का, वो है नो डिस्प्ले का दिक्कत, ठीक है। ये देखिए, मैंने इधर डिवाक कार्ड को कनेक्ट करके रखा और डिवाक कार्ड का जो रिसेट का LED है वो देखिए ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। ऑन होता है एंड ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। ये रिसेट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस रिसेट हो रहा है, ठीक है। डिवाक कार्ड का जो रिसेट का लाइट है ये कॉन्टिन्यूस रिसेट हो रहा है। और इधर पॉइजर भी थोड़ा थोड़ा करके हीट ऑफ हो रहा है। अब मैं रैम को भी लगा के रखा और VGA केबल को लगा के रखा और आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे अगर हमारा बोर्ड में डिस्प्ले आना चाहिए, अगर हमारा बोर्ड में डिस्प्ले आएगा तो ये वाला जो दिक्कत हो रहा है ना, ये रिसेट का LED ब्लिंक हो रहा है, ये प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक हमारा बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रिसेट तो हो रहा है ना। तो मैं भी इस बोर्ड को अभी तक ट्रेस वगैरह नहीं किया, ये सुबह सुबह आके बोर्ड को लेके बैठा, तो सोचा एक वीडियो के जरिए अगर सॉल्व होता है ये वाला प्रॉब्लम तो मैं ज़रूर यूट्यूब पे डालूँगा, और सॉल्व नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। आपके सामने नहीं दिखाऊँगा। तो चलिए, पहले कुछ कुछ जगह पे हमको भी ट्रेस आउट करना पड़ेगा क्या क्या वोल्टेज आ रहा है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए, पहले मल्टीमीटर को हम लोग DC 20 range पे रखेंगे। दिखाई दे रहा है ना मल्टीमीटर, और एक प्रॉप को हम लोग ग्राउंड करेंगे, ठीक है। ग्राउंड हो गया एक प्रॉप, और काम के लिए मैं अभी VGA केबल को खोल लूंगा, क्योंकि मैं देखा VGA पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। चलिए, मैं अब एक बार ऑफ करके भी ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि हर एक बंदा तो बिलीव नहीं करता है उसमें, मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदा बोलेगा कि एक करके आपने वो किया। तो चलिए, बोर्ड का अभी और एक बार ऑन करूँगा। देखिए, बोर्ड अभी ऑन किया और D0D0 कोडिंग आया और कॉन्स्टेंट ए लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। और डिस्प्ले की तरफ देखिए, डिस्प्ले में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं अभी के लिए VGA को यहाँ पे यहाँ से खोलूंगा, ठीक है। और खोलने के बाद मैं पहले मेरा रैम का वोल्टेज को चेक करने जाऊंगा, जो कि रैम का कॉयल पे मिलेगा। इधर रैम का कॉयल है और मल्टीमीटर पे 1.60 वोल्टेज बिल्कुल बराबर से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा रैम का जो सप्लाई का पिन है, सप्लाई का पिन तो अभी सही है। मैं एक बार और चेक करूंगा हमारा कोर वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 core का कॉयल है, तो यहाँ पे वोल्टेज 1.03 मिल रहा है, और ये वाला PWM पे 1.02, और आखिरी वाला PWM पे 1.03। तो कोर तो जनरेट हो रहा है, देख के मेरे को समझ में आ रहा है। अभी जो हमारा 1.08 किधर होगा, इधर होगा शायद, 1.8 जो कि हमारा GFX का सप्लाई है, ठीक है, GMCH का सप्लाई है, ठीक है। 1.08 ये भी हमको प्रॉपरली मिल रहा है, और इधर क्या सप्लाई जनरेट हो रहा है, 1.2, इधर 1.2 सप्लाई जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इधर 1.2 सप्लाई जेनरेट हो रहा है, तो सप्लाई तो बराबर से सभी सेक्शन पे जेनरेट हो रहा है। और हम लोग हमको बायोस का पिन नंबर 8 पे तो 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, बायोस का पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्टेज हमको प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रैम का कुछ रिक्वायरमेंट को हमको चेक करने जरूरत है, क्योंकि अगर रैम का कोई रिक्वायरमेंट फेल्ड होता है तब भी ये इस तरह से दिक्कत आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है मैंने बहुत बोर्ड में फेस किया, और हर एक बोर्ड में
जो सोल्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट का सोल्यूशन होता है, किस बोर्ड में होता है, आयो के आयो से रिलेटेड सोल्यूशन, क्योंकि ये वाला रिसेट अगर कंटिन्यूस होता है तो आयो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। और ये वाला प्रॉब्लम के लिए मैंने देखा जो आईसीएस भी जिम्मेदार होता है, ये वाला प्रॉब्लम के लिए मैं ये भी देखा हमारा जीएमसीएच भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये वाला प्रॉब्लम के लिए मैंने ये भी देखा मेरे पॉइजर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बट इस बोर्ड में पॉइजर से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉइजर को चेंज करके देखा और रैम को भी चेंज करके देखा, तब भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रैम का कुछ रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं रैम का कुछ रिक्वायरमेंट। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एक नंबर पिन इस साइड में है, तो पहले हमको ये डीडीआर 3 रैम है, इसलिए पहले हमको रेफरेंस पिन चेक करना है जो कि पिन नंबर 1 है। और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, अगर वीडियो का पूरा नहीं देखेंगे तब आप ट्रैवल शूट नहीं कर पाएंगे कि किस सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ढूंढते ही रह जाओगे, ठीक है, किस सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे जो कि इसका भी रेफरेंस का पिन है, जो कि 0.75 से कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 0.80 वोल्टेज हमको मिल रहा है पिन नंबर 1 रैम का, ठीक है। तो अब जाके हम लोग को एसएम डेटा को हमको चेक करना होगा, जो कि 3.3 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि पिन नंबर 238 का पिन है, और 238 का पिन इधर होगा शायद, हाँ इधर है, ये देखिए 3.38 प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। अब जाके हम लोग रैम का पिन नंबर डेटा का पिन को चेक करेंगे, जो कि पिन नंबर 3 है, लगभग 0.40 के आसपास डेटा पे वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, जो कि पिन नंबर 3-4 किसी भी पिन पे आप चेक कर सकते हो, 0.50 सही है। हाँ, और अभी हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट पिन है VDD SPD जो कि 236 नंबर पिन है, 236 पे पिन पे मैं चेक कर रहा हूँ, उस पे भी 3.3 वोल्टेज बिल्कुल है, ठीक है। और हमको क्या चेक करना चाहिए, हमको VTT चेक करना चाहिए, जो कि हमारा 120 एंड 240 नंबर पिन पे आता है, हमको हमारा VTT वोल्टेज जो कि 0.75 से ज्यादा होना चाहिए, 120 इधर इस तरफ 0.79 ये भी बिल्कुल सही है हमारा VTT वोल्टेज। तो हम लोग और एक पिन पे चेक करेंगे एसएम क्लॉक, ठीक है, रैम का रिक्वायरमेंट के लिए इस तरह रैम का कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सारी की सारी रिक्वायरमेंट को चेक नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं श्योर होगा कि हमारा शायद रैम से ही कोई ना कोई फॉल्ट होगा, शायद रैम से ही कोई ना कोई फॉल्ट होगा, इस चक्कर में आपका बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। इसलिए जो भी चीज आप चेक कीजिए तो प्रॉपरली तरीके से चेक कीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, हाँ ये मेरा सेक्शन है, हमका सेक्शन सही है, तो इसके छोड़ के हम लोग दूसरा चीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा रैम का आखिरी है और एक रिक्वायरमेंट चेक करना होगा, जो कि एसएम क्लॉक है, जो कि 118, ठीक है, 118 नंबर पिन पे, 120 119 118, देखिए 3.09, इसके मतलब हमारा रैम का ऑल रिक्वायरमेंट परफेक्ट है, हमारा रैम के तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, और हमारा रैम भी सही है, हमारा प्रोसेसर भी सही है। तो आप जाके हम लोग क्या चेक करना आप जाके मेरे को क्या चेक करना चाहिए तो आप जाके मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप जाके हमको एक बार बायोस की तरफ देना चाहिए फोकस, क्योंकि मैंने ये भी फेस किया कि देखिए अगर मैं अभी आयो के तरफ जाऊं, क्योंकि कोर के लिए कोर के तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर जनरेट हो रहा है, तो आप 3-4 चीज रहेगा, ठीक है, आयो रहेगा, हमारा जीएमसीज रहेगा,
हमारा आईसीएस रहेगा और हमारा बायोस रहेगा। तो इस चारों में सबसे आसान है आपको बायोस की तरफ जाना। पहले बायोस की तरफ जाऊंगा, बाद में इसके बाद हम लोग आयो की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आईसीएस की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जीएमसीएस की तरफ जाएंगे। ऐसी तरह हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका बायोस को एक बार दोबारा रीप्रोग्राम करेंगे, और रीप्रोग्राम अगर करने के बाद होता है तब तो सही है, अगर नहीं होता है तब जाके हम लोग आयो का रिक्वायरमेंट को एक एक करके चुन चुन के चेक करेंगे, ठीक है। तो चाहिए, चलिए हम लोग बायोस प्रोग्रामर पे इसको सेट कर देंगे। देखिए प्रॉब्लम किसी भी सेक्शन से आ सकता है और इसको सोल्यूशन हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो भी चीज चेक करे क्लियरली चेक करे, और आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अगर बोर्ड में ये दिक्कत आ रहा है तो मेरे को ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मेरा डेस्कटॉप की तरफ आ जाइए, ठीक है। मैंने पहले हम लोग क्या करेंगे, चिप को रीड करेंगे। एक बार चिप को रीड करना पड़ेगा, इसमें आइडेंटिटी करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी हो गया, अभी इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, ठीक है। रीड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास इसका बायोस है, मैं इससे पहले बोर्ड को बायोस रिपेयर किया था, तो इसका बायोस मेरे पास कॉपी वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा बायोस पे जाएंगे जहाँ पर मेरा बायोस का स्टॉक है, ठीक है। इधर मेरा बायोस का स्टॉक है, काफी बायोस है, और यहाँ पर है इसलिए इसका बायोस, और इसका मॉडल नंबर क्या था, इसका मॉडल नंबर था A780LM M2 बायोस है, ठीक है, A78LM M2। हाँ, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके राइट के क्लिक करेंगे, और ये राइटिंग हो रहा है अभी, ठीक है। राइटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग इसको, हो गया हमारा राइटिंग प्रोसेस, तो आ जाइए इस तरफ, राइटिंग भी हो गया, और हम लोग दोबारा बायस को इधर लगा के चेक करेंगे हमारा बोर्ड वो रिसेट अभी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको रिसेट को ऑफ करना पड़ेगा, जब तक वो वाला रिसेट ऑफ नहीं होगा तब तक हमारा बोर्ड में डिस्प्ले आने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए और एक बार इसको ऑन करूंगा, ऑन हुआ, ये देखिए कोडिंग स्टार्ट होना, कोडिंग चेंजिंग स्टार्ट होना हो गया, ठीक है। आपको ये देखिए शायद डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। चलिए वीजे केबल को मैं एक बार लगा के देखूंगा डिस्प्ले आएगा कि नहीं। डिस्प्ले आएगा, आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो आपको तो सक्सेस मिलना ही चाहिए। चलिए मैं एक बार और एक बार ऑन करूंगा, देखिए ये देखिए कोडिंग होना, कोडिंग स्टार्ट होना, D5 काफी बार कोडिंग चेंज हुआ, और 2A 38, ये देखिए, और डिस्प्ले के तरफ देखिए, ये देखिए डिस्प्ले भी प्रॉपरली आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए मैं ऑफ कर दूंगा क्योंकि प्रोसेसर काफी हीट होगा, क्योंकि AMD का प्रोसेसर है, मैंने ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।